बच्चों में क्या समस्याएं होती हैं वो भी समझेंगे। उससे पहले अनीता कपूर हैं दिल्ली से टेलीफोन लाइन पर। अनीता जी, आपका बहुत स्वागत। सवाल पूछिए मेरा सवाल ये है कि मेरे बच्चे की उम्र है 22 साल और जी। उसको ना सुबह मोशन नहीं आता। काफी टाइम से ये प्रॉब्लम है, सुबह उठते मोशन नहीं आता और उसको उसको काफी पानी पीना पड़ता है और वॉक करनी पड़ती है तो फिर रात में मोशन आता है और उसका वेट भी स्लिम है वो बच्चा। जी, डॉक्टर माखरिया क्या कहना चाहेंगे? जैसे जो हमने बात करी थी पहले कि ही से एज इज 22 ईयर्स, एज द पर्सन 22 ईयर्स जी। सो अगेन, अगर यंग लड़का है एंड कॉन्स्टिपेशन, सेम प्रॉब्लम एज वी डिस्कस्ड, वी नीड टू डिफ्रेंशिएट ये फंक्शनल डिजीज है या ऑर्गेनिक है। और कुछ चार पांच चीज़ें होती हैं विच हेल्प्स इन डिसाइड कि ये ऑर्गेनिक है या फंक्शनल है। सबसे इम्पोर्टेंट देखें इसको, उस व्यक्ति को अर्ज है या नहीं है, टट्टी इच्छा होती है या नहीं होती है। ललिता जी फोन पर हैं अभी, अगर आप कुछ उनसे पूछना चाहें। जी 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 ललिता जी से अगर आप कुछ पूछें। अगर उनको अर्ज है स्टूल की तो एक अलग बात है, अर्ज नहीं है तो दूसरी बात है। अर्ज नहीं होना मतलब कोलन की बीमारी है, मतलब कोलन स्लो मूव कर रहा है। अगर कोलन स्लो मूव कर रहा है तो स्टूल नहीं बनेगा और स्टूल लेट से आएगा तो एक कॉन्स्टिपेशन वो होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टूल हफ्ते हफ्ते पास नहीं होता है। जी, सो कुछ क्वेश्चन और पता कर करके हमें, अगर हमसे बात करें तो बता सकते हैं कि ये फंक्शनल है या ऑर्गेनिक है। अगर फंक्शनल है तो कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी, अच्छा, कुछ कॉलोनिक स्टेबलेंट होते हैं या फाइबर्स होते हैं जी, वो दिए जाएंगे। अगर ऑर्गेनिक है तो उनके टेस्ट इनको विशेषज्ञ को जरूर दिखा लेना चाहिए। डॉक्टर व्योम अग्रवाल, यही जो रेड फ्लैग साइंस की बात हो रही थी, बच्चों में वो कौन से लक्षण होंगे कि माँ बाप बिल्कुल देर ना करें, तुरंत विशेषज्ञ के पास जाएं? देखिए, बच्चों के बारे में हमारा काम थोड़ा आसान है, कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर को दिखा लें। अच्छा, फिर भी अगर आप वेट कर सकते हैं तो जो बच्चे बीमार होने के बावजूद डाइट लेते रहते हैं, मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, अगर 1 साल से कम का बच्चा है, कोई भी आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम लगती है लेकिन बच्चा दूध ठीक से पीता रहता है, एक्टिव रहता है, यूरिन पास करता रहता है, तो शायद प्रॉब्लम इतनी सीरियस नहीं है, आप कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं। अमूमन देखा गया है बहुत छोटे बच्चे होते हैं, नवजात है या 5-6 महीने के बच्चे हैं, तो माँ बाप को यही लगता रहता है शायद पेट में दर्द है, पैर मोड़ रहा है, रो रहा है, तो कोई नाभि पर हींग लगा रहा है, कोई कोई सिकाई कर रहा है, तो ये तो तमाम चीज़ें होती हैं। ये कब तक करे और उसके बाद ज़रूर जाए? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होम रेमेडीज़ हम यूज़ करते हैं जिनका कोई नुकसान नहीं है, वो सजेशन की तरह काम करती हैं और मोर ओवर पेरेंट्स को साइकोलॉजिकली एक सांत्वना देती हैं कि हमने कुछ किया। पेट पे हींग लगाने का कोई साइड इफेक्ट मैंने अब तक नहीं देखा किसी बच्चे में, इवन एलर्जी भी नहीं देखी, और उस पर लगाने के बाद अगर उनको लगता है कि बच्चा ठीक महसूस करता है तो कोई नुकसान नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चे कोई प्रॉब्लम चल रही हो, परसिस्टेंट प्रॉब्लम हो, और साथ में उसको मुँह से दवाइयाँ दी जा रही हों, भले वो आयुर्वेदिक दवाई हो, होम्योपैथिक दवाई हो, या एलोपैथिक दवाई हो, या घरेलू नुस्खे हों। तो जब तक बच्चा फीड ठीक ले रहा है, रो रहा है, खेल भी रहा है, उसका वज़न इफेक्ट नहीं हो रहा, आप कुछ भी करिए नहीं करिए फ़र्क नहीं पड़ने वाला जी। लेकिन अगर बच्चे का वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है, या बच्चा ठीक से सो नहीं पा रहा, हर टाइम रोता रहता है, फीड रिफ्यूज़ करता है, तो ये साइन है कि अब आपको अपना ट्रीटमेंट नहीं करना, डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा जी। डॉक्टर व्योम, बच्चों के साथ अक्सर ये होता है कि नवजात शिशु हुए जन्म के बाद उनको दस्त लग गए, या फिर जिस समय दांत निकलते हैं उस समय बहुत कॉमन होता है कि डायरिया हो गया, और उसको एसोसिएट किया जाता है कि दांत निकल रहे हैं इसलिए डायरिया हो रहा है, क्या कहेंगे आप? ये बात मैं आज तक समझ नहीं पाया कि दांतों से कि भगवान ने ऐसी क्या चीज़ बना दी दांत कि जब भी आएंगे बीमारी लेके आएंगे। हमारी बॉडी में, हमारे बच्चे में 2 साल की उम्र तक करीब 20 दांत निकलते हैं। अगर हम अमूमन माने कि 6 महीने पर पहला दांत निकलेगा, इसका मतलब ये है करीब 18 महीने में 20 दांत। इसका मतलब अगर हर महीने एक दांत निकल रहा है तो बच्चा हर महीने बीमार पड़ेगा। अब वो दांत उस बीमारी का ब्लेम शेयर कर रहे हैं या बीमारी कर रहे हैं, डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है जी। मेरे हिसाब से तो बेचारे दांतों पर ब्लेम चला जाता है, करते बेचारे कुछ भी नहीं है, बच्चे की भलाई के लिए आते हैं जी। प्रॉब्लम खाली इतनी है, हमें कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहें टीथिंग डायरिया है, दांत निकलने से दस्त होते ही हैं, बच्चे इरिटेट होते ही हैं, गला ख़राब होता ही है, या कॉन्स्टिपेशन होती है, हमें सुनने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मानकर कि बच्चे को दिन में 10-15 चूल हो रहे हैं, दांतों से हो रहे होंगे, और इलाज नहीं कराना, ORS नहीं पिलाना, डॉक्टर को नहीं दिखाना, ये टेंडेंसी हमें कब करनी है? डॉक्टर व्योम, ये जो आपने वार्निंग साइंस कुछ बताए हैं, इसमें बच्चों में स्टूल का कलर, जैसे ग्रीन कलर का स्टूल हो रहा है या ब्राउन है, क्या स्टूल का कलर क्या है वो भी ये डिसाइड करेगा कि स्थिति गंभीर है या नहीं? देखिए, हमें समझना इम्पोर्टेंट है कि स्टूल का कलर ग्रीन होता क्यों है।
हमारी बॉडी में जब खाना हम जब खाना खाते हैं वो स्टमक में इकट्ठा होता है, आमाशय में इकट्ठा होता है, उसमें एसिड मिलता है ताकि खाना सड़ ना सके, उसका मीडियम जो एंजाइम्स के स्टमक के एंजाइम से काम करे एसिडिक मीडियम में। जब एक बार वो ड्योडनम में आता है, मतलब छोटी आंत के फर्स्ट पार्ट में आता है, उसमें बाइल जूस आकर मिलता है सेकंड पार्ट में, ताकि वो आगे उसकी एसिडिटी ख़त्म हो जाए जी। जैसे जैसे खाना आगे बढ़ता है ये बाइल रीअब्जॉर्ब होता जाता है और वापस लीवर में पहुंचता जाता है। किसी भी रीज़न से अगर बच्चा ज़्यादा स्टूल पास करेगा या जल्दी जल्दी स्टूल पास करेगा तो ये बाइल रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता और स्टूल में पास होता है, इसलिए स्टूल का कलर ग्रीन हो जाता है। तो ग्रीन स्टूल करने का मतलब ये नहीं कि बच्चे को वायरल डायरिया, कि बच्चे को ठंड लग गई है या बच्चे को कुछ भी नहीं करना या दांत निकल रहे हैं। कॉमनली लोग कहते हैं कि ठंड लग गई है इसलिए ग्रीन स्टूल आ रहे हैं, दांत निकल रहे हैं इसलिए ग्रीन स्टूल आ रहे हैं। ग्रीन स्टूल खाली ये सिग्निफाई करते हैं कि बच्चे को स्टूल ज़्यादा आ रहा है या उसकी आंतें जल्दी जल्दी चल रही हैं, इसके अलावा उनकी कोई और इम्पोर्टेंस नहीं है। जी, हमारे पास ढेरों ईमेल्स आ रहे हैं लगातार दर्शकों के। बहुत से लोगों को कुछ खाने के बाद एसिडिटी होने की प्रॉब्लम है, कुछ को ओवर ईटिंग की आदत है। ग्वालियर से गिरिराज दुबे हैं, उन्होंने यही लिखा कि उनको ओवर ईटिंग की आदत है लेकिन कुछ भी ऑयली वगैरह खाते हैं तो उनको वॉमिटिंग की शिकायत होने लगती है। खैर, लेकिन राज चौधरी ने जो बात लिखी है, डॉक्टर माखरिया, हम इसके बाद प्रिवेंशन की ओर जब बात करें, रोकथाम किस तरह से करें इन चीज़ों की, वो ये लिखते हैं कि उनके पिताजी की उम्र 54 वर्ष है, उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो वेजिटेरियन है और नियमित रूप से सुबह सैर को भी जाते हैं लेकिन उनका पेट बहुत बड़ा है और कभी कभी बहुत ज़्यादा फूल जाता है। उन्होंने लिखा है वेजिटेरियन होने के बावजूद उनका पेट कम नहीं हो रहा है, कभी कभी उन्हें भूख नहीं लगती और कभी कभी बहुत ज़्यादा लगती है। आप ये बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या ये पाचन संबंधी बीमारियां ज़्यादा बढ़ने लगती हैं? अब उनकी उम्र बढ़ेगी तो क्या और समस्या होगी? राज चौधरी के साथ साथ हम सब ये जानना चाहते हैं अब कि वो कौन सी बातें हैं कि जिनका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए प्रिवेंशन की, अगर बात करें इस दिशा में। सबसे पहले ये बता दूँ कि आपने क्वेश्चन पूछा है चौधरी ने कि जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या पाचन शक्ति कम होती है। जनरली ऐसा नहीं होता है कि हम अगर एंजाइम्स की बात करें, और भगवान ने हमें ऐसी बॉडी दी है कि हर एक ऑर्गन में इतनी व्यवस्था होती है, अगर उसे हम 1/5 भी कर दें तो काम चलता है। एंड यही प्रिंसिपल है लीवर ट्रांसप्लांट करने का। लीवर एक होता है, उसे हम आधा लीवर किसी और व्यक्ति को देते हैं, फिर भी आधा लीवर काम करता है, वो बढ़ जाता है, उसे ग्रोथ हो जाती है। तो हार्ट का भी जब तक बीमारी काफ़ी ज़्यादा ना हो तब तक उसे सिम्टम नहीं आते हैं। हर एक ऑर्गन में एक काफ़ी ये होता है, कैपेसिटी होती है कि 1/5 भी अगर हो तो काम चलता है, ठीक से काम चलता है, उससे भी कम हो तो फिर दिक्कत आती है। तो सिमिलरली जो ये कैपेसिटी होती है एंजाइम सिक्रेशंस की या पेनक्रियाज की या लीवर की, वो सफिशिएंट होती है किसी उम्र में, 90 ईयर्स 100 ईयर्स। तो उम्र बढ़ने का कोई असर नहीं है? जनरली असर नहीं होता। अच्छा। ये होता है कि थोड़ी सी आँख की मूवमेंट में भी थोड़ी कम हो जाती है, बट दैट्स नॉट ए थिंग विच विल मैटर। जी, दूसरी बात बताई कि प्रिवेंशन करने की, और पहले बताया कि ये हार्ट बर्न होता है तो कैसे प्रिवेंट करें। 3-4 चीज़ का ध्यान रखें इसमें, और उसके अगर हम देखें क्यों हार्ट बर्न होता है या कि जलन की छाती में क्यों होती है। जलन तब होती है जब एसिड स्टमक से छाती के फूड पाइप में आता है, तो फूड पाइप में अलग झिल्ली होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन अलग होती है तो उस वो एसिड टॉयलेट नहीं करती है। उस कारण से इसोफेगस या फूड पाइप के मेम्ब्रेन में थोड़े से अल्सर बन जाते हैं, तो वो सेंसिटिव हो जाता है, उस कारण से जलन होती है। दवाइयाँ तो देनी है, पर 3-4 उपाय कर सकते हैं घर में। सबसे इम्पोर्टेंट है जो लोग स्मोकिंग करते हैं, एक वैल्व होता है स्टमक में और फूड पाइप में, वो वैल्व अगर ठीक ठीक बंद रहे तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर लूज रहे तो फिर खाना ऊपर आता है। तो स्मोकिंग के कारण से किसी तरह का स्मोक करें या टैबाको लें तो वो वैल्व लूज हो जाता है एंड एसिड ऊपर आता है। ओबेसिटी, अगर पेट में काफ़ी भार हो या काफ़ी खाना खाया या ओबेसिटी है, उस कारण से पेट का प्रेशर और अमाशय का प्रेशर से फूड पाइप में वापस फूड आता है। तो उपाय करना है कि थोड़ा खाएं लेकिन बार बार खाएं, उससे एक बार पेट का प्रेशर नहीं बढ़ेगा। और तीसरी चीज़ ये होती है कि खाने के बाद लेटे नहीं कम से कम 1.5 घंटे तक। ये क्यों नहीं लेटना है? इसलिए क्योंकि अगर आपने खाया है, पेट में काफ़ी सारा खाना जमा हुआ है अमाशय में स्टमक में, और अगर हम बैठे हैं तो एक लेवल बना हुआ है, यहाँ पे खाना यहाँ रखा है और फूड पे खाना नहीं आएगा। अगर हम लेट गए तो फिर वो खाना ऊपर आ सकता है,
वो एसिड ऊपर आ सकता है फूड पाइप पे, एंड उसका खाना खाने के 1.5 घंटे बाद तक नहीं लेटना है। लेटना नहीं है, क्यों 1.5 घंटे? बिकॉज 1.5 घंटे के अंदर सारा खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। इसी कारण से ये 3-4 चीज़ करनी है, उससे हार्ट बर्न थोड़ा सा फर्क पड़ता है इस चीज़ से। जी डॉक्टर राजीव, जो रिस्क ग्रुप की हम लोग बात कर रहे थे, या वो लोग जिनको ज़्यादा संभावना हो सकती है इस तरह की समस्याओं की, प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था देखी गई है जिसमें महिला से अगर पूछा जाए तो सभी को लगता है कि कुछ ना कुछ समस्या हो रही है, तो क्या वाकई समस्या बढ़ जाती है? और जब बात आती है इनके इलाज की, तो क्या कुछ फर्क रहेगा सामान्य व्यक्तियों से? बहुत ज़रूरी सवाल है जी, और पहला इसका जवाब ये है कि प्रेगनेंसीज में डेफिनेटली कोई चीज़ें चेंजेस आते हैं बॉडी में, जिससे स्पेसिफिकली जैसे प्रोफेसर पखारे ने बताया, ये हार्ट बर्न जो होता है वो बढ़ जाता है। और ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स के लेवल चेंज होते हैं, और वही हार्मोन्स जो वैल्व बताया गया है फूड पाइप और स्टमक के बीच में जो वैल्व होता है वो ढीला हो जाता है इन हार्मोन से, इसलिए थोड़ी बहुत संभावना होती है कि एसिड बढ़ेगा, उल्टी आएगी। प्रेगनेंसी में जनरली उल्टी आ सकती है मॉर्निंग में, और एक्चुअली मॉर्निंग में ही नहीं आती, पूरे दिन आ सकती है। तो एक बारी तो वैल्व आपका ढीला हो गया है, वॉमिटिंग की टेंडेंसी है, तो ज़रूर हार्ट बर्न प्रेग्नेंट लेडीज़ में बहुत कॉमन है जी। इसका ओवरऑल अगर आप दवाइयाँ नहीं यूज़ करें तो इलाज वही है कि आप कम चीज़ें खाइए, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खाइए, स्मोकिंग इन एनी केस प्रेगनेंसी में नहीं करनी चाहिए। कई चीज़ें होती हैं जिससे ये वैल्व और भी ढीला हो जाता है, इनमें इंक्लूड होती हैं जी चॉकलेट है, पेपरमेंट है, कई तली हुई चीज़ें हैं, इन चीज़ों से भी पेट ये वैल्व रिलैक्स हो जाता है और हार्ट बर्न बढ़ जाता है। अगर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लिए जाएं तब नॉर्मली ये चीज़ कम हो जाती है। दूसरी बात है कि दवाइयाँ, अब दवाइयाँ प्रेगनेंसी में तो बहुत ध्यान से देनी पड़ती हैं, इसलिए ये हमें एक्चुअली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं हार्ट बर्न के लिए ज़्यादातर प्रेगनेंसी में सेफ होती है, पर कोशिश हमारी होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी में जितनी कम दवाइयां दें बेटर रहे। ये कॉफी भी इसमें शामिल है? कॉफी भी है जी, बहुत जरूरी है। अच्छा। किसी तरह का कैफीन प्रोडक्ट, सिर्फ अच्छा। कॉफी नहीं, चाय में भी हो सकता है, हॉट चॉकलेट में भी हो सकता है, ये सभी चीजों से। जी, तो बहुत जरूरी है कि विशेष तौर पर ये जान लें कि गर्भावस्था के दौरान का खान पान कैसा है, और समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श करके ही दवा लें। फिलहाल फरीदाबाद से KL माथुर साहब हैं फोन लाइन पर। माधुर साहब आपका स्वागत, सवाल पूछिए। मेरे संग में प्रॉब्लम ये है कि एक तो बार बार लैट्रिन फील होती है जी, बार लैट्रिन जाना पड़ता है, कुछ भी खा लो तो भी लैट्रिन जाना पड़ता है, और खाना खाता हूँ तो कुछ ओवर ईटिंग भी हो जाती है, एकदम से लगता है कि खाते रहो पेट जब तक ना सेटिस्फेक्शन हो। और मेरे संग में क्या है कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ हुआ है, हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, वेरिकोज वेंस का ऑपरेशन टांग का हुआ है, उसमें थाई में मेरे रॉड है और क्लॉटिंग वगैरह हो गई है, पेन रहती है। एक्सीडेंट हुआ 98 में एक्सीडेंट हुआ था। आपकी उम्र कितनी है? 60 ईयर है मेरी जी, 60 इयर्स है इनकी एज। डॉक्टर माखरिया क्या सजेस्ट करेंगे आप? माथुर साहब आपको स्टूल कब से हो रहे हैं, ये बीमारी कब से, आपको तकलीफ कब से है? जी माथुर साहब आपको कब से हो रही है ये समस्या, डॉक्टर साहब जानना चाह रहे हैं। ये एक्सीडेंट तो 98 में हुआ था, लेकिन ये साल भर हो गया मेरे को ऐसे लेटिंग। एक साल हो गया है जी। और जिसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था ये बात की, अगर ही 60 ईयर्स ऑफ एज, उनकी उम्र 60 साल है जी, और वो लेट ऑनसेट सिम्टम है डायरिया, एक साल से उनको है, ये देखना चाहिए। अगर ये डायरिया 20 साल से होता तो अलग बात होती, वो एक फंक्शनल डिजीज़ है, बट अगर डायरिया एक साल से है तो हमें इसमें देखना चाहिए कि इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, इनका वेट कम हुआ नहीं हुआ है, ऑल दोज थिंग्स विल डिसाइड कि इनका कैसे इलाज चलेगा जी।